मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेतरहाट। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, दिस इज द डे टू ऑफ नेतरहाट राइड। काफी ठंड है भाई, बीस्ट पीछे तैयार है। दिन में काफी इतनी ठंड नहीं थी, कल रात में जो टेम्परेचर गिरा है हम भी गिर गए एक ही बार में सीधा। हालांकि हमारा जो रूम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट फिर भी ठंड लग रही थी। आज हम लोग असली एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज आ रहे हैं हम लोग शायद लोअर घाघरी फॉल, देखते हैं जाते हैं क्या करते हैं। रास्ता में कुछ दिख गया शायद वहीं रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है हमारा। लोअर घाघरी फॉल हमने लास्ट ब्लॉग में भी नहीं दिखा, लाइक मतलब जो हमारा जो पिछला वाला सीरीज था नेतरहाट वाला, उसमें हम लोग उसमें लोअर घाघरी जा नहीं पाते, इसीलिए इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया है। कुल मिला के बात यही है कि हम लोग अब बस निकलेंगे। ये है हमारा होटल जहाँ हम लोग स्टे किए हैं, होटल प्रकाश। हम लोग ब्लॉगर हैं, इस नाम पे हम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हालांकि अच्छा डिसेंट होटल वी कैन से, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आई थिंक जब कंस्ट्रक्ट पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पीछे वाला जो बिल्डिंग है रुकिए दिखा के आते हैं, ये इसका गेट है बड़ा सा, और ये जो वाइट सा बिल्डिंग दिख रहा है इसी बिल्डिंग में अभी रह रहे हैं हम लोग। तो अब हम निकलते हैं अपने आगे के सफर के लिए, तब तक के लिए आप फटाफट जाके ड्रोन शॉट्स का एंजॉय करें फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल होटल एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हेलो भंडार मैन, गुड मॉर्निंग। बीस्ट आपका स्वागत करता है बीस्ट के मोटो व्लॉग में, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि आप लोग मोटो व्लॉग्स मिस करते रहते हो। मैं नहीं आता हूँ तो यार मिस तो होते ही हो, मतलब मिस तो करते ही हो, मतलब होते भी हो। मुझे भी ऐसा दिल करता है कि आप लोगों से आके बात करता रहूं। What's up you lovely people? अभी अभी निकले थे हम लोग और अभी अभी देखो क्या बेहतरीन नजारों के साथ रुके हैं और मिले हैं। ये बहुत ही सुंदर सरसों का खेत हमें मिला है, पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। दिखाते हैं आपको कुछ बेहतरीन शॉट्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सरसों का खेत इन लाइक 3, 2, 1। आपको जैसा पता है कि हम लोअर घाघरी जा रहे हैं और ये लोअर घाघरी मिल नहीं रहा है। जितने लोग नेतरहाट आए उनको पता होगा बट हमें नहीं पता है। छोड़ा मैंने सपना तेरे लिए अपना, तू तो नहीं बदला। भाई ये पूरा जंगल के बीच में आ जा रही है, क्या सीन है भाई? ओके, सो अपर घाघरी से आपको आगे आना पड़ेगा, ये रहा लोअर घाघरी। सीधे आ जाना आप अपर घाघरी से, आपको दिख जाएगा और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और क्या क्या रास्ता है भाई, जंगल के बीचों बीच, नाइस। ऐसे ऐसे जगह पसंद आते भाई हमें, कूल। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली रास्ता पूरा ही ख़राब है। सो जितने भी लोग लोअर घाघरी आ रहे हैं प्लीज़ सीट टूट, बहुत छोटे 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 ग्रेवल्स पड़े हैं यहाँ रोड पर, तो गाड़ी से आने वाले लोगों के लिए ठीक है, बट जो भी बाइक से आएंगे तो बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप खाएगी, पीछे वाला टायर आगे वाला। ये लोग मुझे चलने नहीं देते हैं ऐसे ब्लैक टर्मैक रोड पे, इनको ऐसे ही रोड्स पसंद आते हैं। अमेजिंग मैन, ब्यूटीफुल गाइस, ये ट्रेल ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब हम जब शुरू किए थे और जब मैंने आपसे लास्ट बात करी,
उतना अभी और चला है ट्रेल, और अभी ये जाया जा रहा है, पता नहीं ये ट्रेल कितना नीचे तक है और क्या है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रोड है, काफ़ी एडवेंचरस यार, मेरे को तो पर्सनली सच में बहुत मज़ा आ रहा है। रियलिटी चेक अगर देखें तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है बाइक चलाने में, और लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, बट एडवेंचर बहुत ज़्यादा है गाइस। लगभग शायद पहुँच गए, यही है देखो, वाटर फ्लो तो कर रहा है, उधर पीछे से फ्लो कर रहा, अभी ये रास्ता आगे तक जाया जा रहा, पता नहीं है कितना आगे तक जाएगा। और भाई हम पूरे जंगल के बीच में, पूरे जंगल के बीच में, लाइक अगर आप इसका गूगल मैप पे लोकेशन देखोगे, अभी तो नेटवर्क आ नहीं रहा होता वरना मैं पिन करता इसे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये लोकेशन देखोगे ये पूरे जंगलों के बीच में भाई, हमने इतने सारे लूप्स उतर के आए ना, सो इट फील्स लाइक कि शायद हम पहुँच गए, शायद ऐसा बड़े बड़े ऐसे चट्टान तो दिख रहे हैं। हेलो गाइस, सो जैसा कि आपने देखा इस काफ़ी कठिन से रास्ते से चलकर हम पहुंच गए हैं लोअर घाघरी पॉइंट, जहां तक हमारी बाइक आएगी, इससे और नीचे भी शायद जाया जा सकता है, बट अभी जहां मैं बैठा हूं पीछे से आपको दिख रही हो एक रिवर बहते हुए, वाटरफॉल नहीं है, जो भी लोग वाटरफॉल के लिए यहां पे आए हैं अभी तक मुझे वाटरफॉल नहीं दिखा, आगे का आप लोग देखते रहें, बिकॉज अभी वी विल ट्राई कि अगर आगे कहीं ट्रैकिंग का सिस्टम है तो वी विल डू। द मेन थिंग इज़ द फॉरेस्ट, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि आप जब ड्राइव करके आएंगे अप्रॉक्स 5 किलोमीटर ऑफ रोड है, और पूरा ऑफ रोड आपको धीरे 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 पहाड़ के नीचे लाएगा थोड़ा सा, और जंगल के बीच में ले आएगा, और यहाँ पे एक रिवर बह रही है, और यही रिवर जाके आई थिंक वाटरफॉल में तब्दील हो जाती है। नीचे जाने का रास्ता हमें खोजना है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। तो आप कुछ यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट देखिए, जैसे कि हमने आपको बोला था कि आगे जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैक करने का माहौल है, देखते हैं कैसा है नहीं है। तो अभी हम लोग गए थे आगे, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ही वो डेंस था, तो हम लोग 2-4 कदम गए, उसके कुछ शॉट्स आपको दिखेंगे, और उसके बाद हमने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, अपना पुष्पक विमान, जिसको हमने उड़ाया, और अपनी सारी जो दुविधाएं थी कि ये फॉल दिखता कैसा है, सारे क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारा पुष्पक विमान दे दिया, तो हमने अपने ड्रोन को फ्लाई करवा दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपको देखना है, तो ठीक है देखिए 3, 2, 1। तो आपने अभी जो ड्रोन शॉट देखे गाइस, तब तक हम अपनी तैयारी करके यहाँ से निकल चुके हैं, हमने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हमारा प्लान था यहाँ पे कुछ खाने का, बट द थिंग इज कि हो नहीं पाया यार, क्योंकि हम पानी लेके आए नहीं थे, सुबह जल्दी में निकले, ध्यान ही नहीं रहा किसी को बोतल में पानी ले ले, तो अगले बार से ये सब कुछ ध्यान रखेंगे कि अपन पानी वानी लेके चले। अब हमारा प्लान है सनसेट पॉइंट जाने का, तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, तो यहाँ से निकलने में हमें आधा घंटा तो पक्का लगेगा ये वाले सारे लूप्स को खत्म करने में, क्योंकि आपने देखा ही होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या ही रोड्स, और भाई क्या ही, ये देख लो अभी भी रोड की हालत, मतलब अभी थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो रोड इज नॉट गुड, बट हाँ नज़ारे ओपी, और काफी मजा आया, मजा सच में काफी आया। तो गाइस हमेशा की तरह एक क्विक अपडेट है, और क्विक अपडेट ये है कि मौसम देखो आप, पूरे बादल हो गए, ये जब हम लोअर घाघरी से निकल रहे थे तो उस समय हमें पता नहीं चला था, क्योंकि काफी ज्यादा डेंस था वो फॉरेस्ट, बट हम वहां से जैसे ही बाहर निकले और थोड़े खुले एरिया में, ये देखो भाई फुल क्लाउडी हो रखे वेदर, और मुझे तो नहीं लगता कि ये खुलेगा एक घंटे के अंदर, क्योंकि हमने कहा था कि भूख लगी हमें, तो ये जो भैया सामने दिख रहे हैं, हमने इनके शॉप से खाया इडली, तो अगर आप नेतरहाट आते हो तो प्लीज ये जरूर ट्राई करना, बिकॉज इडली की तरह थी, बट चटनी जो थी भाई टू ऑसम, चटनी काफी ज्यादा टेस्टी था। अब यहाँ से हम जा रहे सीधा सनसेट पॉइंट, सनसेट दिखेगा नहीं, माहौल देखते क्या सीन है क्या नहीं, छोटू का अभी भी भूख लगा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ कुक करेगा, तो आपको दिखाते हैं कि अगर हम कुकिंग करते हैं तो वो दिखाएंगे, वरना फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं दिखाने को। वाह भाई क्या इंटरेस्ट, क्या मजेदार रोड है भाई, इस रोड में फोटो खिंचाने का मेरे को एकदम बीचों बीच, काफी सुंदर रोड है यार, काफी सुंदर, दोनों साइड घने जंगल और बीच में ब्लैक टर्मैक रोड, स्वाद है भाई स्वाद है, अलग ही मजा राइड करने का। hmm,
सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, दैट्स इट फॉर द डे। और इसके बाद हमने मैगी खाई और अपना दिन रैप कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलके बिछड़ना दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम इन यादों की कसम।